तो कैसे हैं आप सब? ठीक हो स्टूडेंट्स? मैं दो वीडियोस इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ आज की। मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आप घर बैठ के टाइम अपना वेस्ट नहीं करें, प्रोडक्टिव काम करें, और कोशिश रहेगी कि दो से तीन वीडियोस जो है मैं एक दिन की अपलोड करूँ, मेरी ये कोशिश रहेगी। और लॉकडाउन पीरियड तक मैक्सिमम अदर टॉपिक्स अगर हमसे कम्प्लीट हो सकते हैं, जो मेरी कोशिश रहेगी मैं करवाऊँगा वो आपको। ठीक, एक मेन पॉइंट मैंने आपको और बोलना है। देखो, आप स्टूडेंट्स हो, आप यूट्यूब में सर्च करते हो चैनल, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है वो करता है, शायद मैं था, मैं भी करता हूँगा। बट होता क्या है स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट आपको किसी एक चैनल के साथ स्टिक रहना है। एक चैनल से स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कभी एक चैनल पे जा रहे हो फिर जंप कर रहे हो किसी और चैनल पे, पहले एक चैनल ढूंढ लो अच्छे से। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ही चैनल देखना है आपने, एक चैनल ढूंढो अच्छे से। और लगता है कि यार अगर ये जो टीचर है ये हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जिसकी ज़रूरत है आपको, तो उसके साथ स्टिक हो जाओ। फिर ये नहीं है कि आगे पीछे भटकना। बिकॉज होता क्या है, आप कुछ चीज़ें कहीं से पढ़ोगे, कुछ चीज़ें कहीं से पढ़ोगे, किसी के करवाने का तरीका अलग होता है, किसी टीचर के करवाने का तरीका अलग होता है। मैथ्स की बात अगर मैं करूँ या रीजनिंग की, तो आप फिर बीच में रह जाओगे, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा इससे। तो अगर यूट्यूब एक आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप चीज़ें सीख सकते हो, तो भाई फिर एक चैनल के साथ स्टिक हो जाओ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा चैनल है, चाहे कोई और भी। क्लियर ये पॉइंट? तो बैंकिंग अवेयरनेस का मैं एक टॉपिक इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, प्लेज हाउस ऑब्लिगेशन एंड मॉर्गेज। आज मैं सेकंड पार्ट जो है उसका वो आपके सामने लेके आया हूँ। कोशिश रहेगी बैंकिंग अवेयरनेस का रोज़ एटलीस्ट एक टॉपिक जो है वो मैं अपलोड करूँ। क्लियर? आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स है, और जो पहली टर्म मैं लेके आया हूँ आपके सामने, दैट इज़ मोराटोरियम पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय मोराटोरियम पीरियड? हाल ही के दिनों में आरबीआई ने इस टर्म को वापस से यूज़ किया। अगर आपने सुना हो, न्यूज़ चैनल देखते हो तो ज़रूर सुना होगा कि J&K में और बाकी स्टेट्स में भी RBI ने क्या किया, 3 मंथ्स के लिए जो लोन है उसकी जो EMIs हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसको उन्होंने माफ़ किया है। शायद आप जानते हो ये। तो ये जो टॉपिक है मोरेटोरियम पीरियड, ये वही चीज़ है। क्या मीनिंग हुआ इसका, अब समझते हैं। देखो, मोरेटोरियम पीरियड और ई एम आई हॉलीडे क्यों? मतलब छुट्टी है ना इसमें, आपको 3 महीने की छुट्टी हो गई, अब आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है EMI। दिस पीरियड रेफर्स टू पर्टिकुलर ड्यूरेशन इन द लोन टेन्योर। ये लोन के टेन्योर में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। व्हेन द बोरोअर मींस आप लोग जिन्होंने पैसा लिया है बैंक से, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द EMIs। बोरोअर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो EMIs पे करे। अभी हाल ही में ये चीज़ हुई आपके सामने, 3 मंथ्स के लिए। RBI ने तो गाइडलाइन निकाल दिया, आगे बैंक पे भी डिपेंड करता है। कुछ बैंक्स होते हैं जो नहीं मानते उसे, जैसे JK बैंक की बात करूँ तो उसने क्या किया, मैं खुद भी ये जानता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका इंस्टॉलमेंट काटा है। हालांकि RBI ने तो बोला हम नहीं काटेंगे, आपको काटना नहीं है। और JK बैंक ने ये भी बोलता कि हम नहीं काटेंगे, हम RBI की गाइडलाइंस को मानेंगे। अब मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ है। JK बैंक पहले भी बहुत ज़्यादा हाइप में रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप जानते हैं, उस पर बाद में आएंगे, अभी इस पर आते हैं। दिस हॉलीडे पीरियड इज़ मोस्टली अवेलेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। क्या मीनिंग हुआ कि ये हॉलीडे पीरियड जो है ये मोस्टली किन के लिए अवेलेबल है? सैलरीड इंडिविजुअल्स। सैलरीड इंडिविजुअल्स मीन्स जो जॉब करते हैं, जिनको पता है कि महीने की सैलरी उनकी आनी ही है, क्योंकि RBI को या बाकी बैंक्स को पता है ना यार, चलो कोई बात नहीं, ये 2-3 महीने अगर हमें नहीं भी देगा EMI, बट क्योंकि ये सैलरीड इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट जॉब करता है, या अगर प्राइवेट है तो वो भी बड़ी अच्छी जॉब है, तो आने वाले टाइम पे ये कभी भी हमें पैसा हमारा वापस लौटा देगा। बट अगर कोई एक इंसान जो लेबरर है, जो कि जॉब नहीं करता, उसको ये थोड़ी ना मिल सकता है मोरेटोरियम पीरियड इन द नॉर्मल सेंस। हालांकि अब जो ये RBI ने गाइडलाइन निकाली है COVID-19 की वजह से, वो सभी के लिए निकाली है, बट मोस्टली ये किसके लिए अवेलेबल होता है? सैलरीड इंडिविजुअल्स। मोस्टली का मीनिंग क्या हुआ? ज़्यादातर, और इन एक्सट्रीम केसेस या इन जो इसमें एक्सपेक्टेशन एक जो अलग से रहता है, उसमें ये बेसिकली क्या किया जाता है, बाकी लोगों के लिए भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इसने क्या बोला, ऑल्दो द बोरोअर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द EMIs। मतलब बोरोअर को जरूरत तो नहीं है EMI को पे करने की, बट फिर भी स्टिल द लोन अमाउंट वुड स्टिल कॉन्टिन्यू टू इंकर इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मीन्स कि इंटरेस्ट चढ़ेगा 3 महीने का। ये नहीं है कि 3 महीने आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, वो आगे ऐड ऑन होता रहेगा जो इंटरेस्ट होगा इसका। क्लियर? आई होप मोराटोरियम पीरियड जो है वो आपको क्लियर हुआ हो। ऑलराइट,
देखो मैं आपके लिए ये नोट्स भी बना के लाया हूँ, आपके सामने ही है। मैक्सिमम चीज़ें जो इसमें होती है वो मैंने लिखी है, अब आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा एक वादा है। आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो लीजिए। अगर आप अपने खुद नोट्स बनाना चाहते हैं यूजिंग दीज स्क्रीनशॉट्स, देन यू कैन ऑलवेज मेक। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन क्या होता है? देखो अमोर्टाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म है जो कि हर समय पे हमारे साथ हो रहा है। अगर हमने लोन लिया फिर भी हमें इसका पता नहीं होता, क्यों पता नहीं होता? देखो अब देखो इसने क्या बोला, इट इज़ द रिडक्शन ऑफ एन अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ये रिडक्शन है, मतलब ये कमी है, कमी आना, डिक्रीज आना किसी भी अमाउंट में रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब लगातार रेगुलरली ये हो रहा है ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए। इट मेनली रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ डेब्ट। ये मेनली रेफर करता है जो घटाव आता है, डिक्रीज आता है डेब्ट में। डेब्ट का मतलब जो आपने लोन लिया है। बाय रेगुलर पेमेंट्स ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए लोन, मीन्स कि जब आप एक लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया और हर महीने आप उसकी एक ईएमआई देते जा रहे हो, मान लो 10,000 की ईएमआई बनी और हर मंथ दे रहे हो, तो जो 10 लाख रुपीज़ है उसमें इंटरेस्ट ऐड होके मान लो 11 लाख बनता है। तो जब हर मंथ आप 10,000 रुपये उसमें ईएमआई पे कर रहे हो, तो क्या वो जो अमाउंट है 11 लाख वो आहिस्ते डिक्रीज़ नहीं हो रही होगी? हर महीने आपने पे किया वो डिक्रीज़ हुई, पे किया वो डिक्रीज़ हुई, तो क्या वो यही तो हुआ? फिर रिडक्शन हुई ना अमाउंट की, और रेगुलर इंटरवल्स में, क्योंकि हर महीने हो रहा है। और ये कब तक होगा? जब तक आप वो सारा पैसा जो है वो लौटा नहीं देते, बैंक का या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट इज एवरेज यील्ड। फोन बहुत तंग कर रहा भाई, वेट। चले, व्हाट डू मीन बाय एवरेज यील्ड? एवरेज का मीनिंग क्या हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैथ्स में पढ़ा है आपने ये। यहाँ एवरेज यील्ड क्या बोलता है? ये सम है उस इंटरेस्ट का जो किसी एक इन्वेस्टमेंट ने जनरेट किया है। मतलब मान लो आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया बैंक में और उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मान लेते हैं वो इंटरेस्ट आया आपका 50,000 रुपीस। टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड, इसको डिवाइड करना है द लेंथ ऑफ द टाइम इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन इट। मतलब इन्वेस्टर ने उसे, ये जो आपने 10 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट करा है, तो इन्वेस्टर ने ये 10 लाख रुपीस जो इन्वेस्ट करा है ये कितनी देर के लिए इन्वेस्ट किया? मान लो ये उसने इन्वेस्ट किया 20 मंथ्स के लिए, तो नीचे डिवीजन में किससे करूंगा? 20 से। तो टोटल इंटरेस्ट ये 50,000 क्या है मेरे पास? ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बोला ना जितना उसने, जितनी देर के लिए ये इन्वेस्ट किया है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये 0 कटेगा। अब ये कितना है ऊपर? 5,000, ठीक है, अपॉन 2, दैट विल कम आउट टू बी 2,500। इट मीन्स कि इसका एवरेज यील्ड जो है 10 लाख रुपीज़ के ऊपर जो एवरेज यील्ड है वो कितना आया मेरे पास? 2,500। दिस इज एवरेज यील्ड। क्लियर? स्क्रीनशॉट लास्ट में लेना आप। आइए लास्ट टॉपिक पे आते हैं, फिर इसे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम क्या है? ये आपने बहुत बार सुना होगा मुद्रा के बारे में ना। देखो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मतलब जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे कारोबार होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनको रीफाइनेंस करने के लिए, उनको कुछ पैसा देने के लिए अगर उनके पास पैसे की कमी है, तो उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई है। एंड लिमिटेड मीन्स कि एक एजेंसी है या एक कंपनी है। अब ये एजेंसी बनाई किसने? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट की है, तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं है, ये गवर्नमेंट है। क्योंकि प्राइवेट होती तो यहाँ PVT प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता। फॉर डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग माइक्रो यूनिट्स एंटरप्राइजेस, मतलब छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये मुद्रा स्कीम जो है इसे लागू किया गया। अब इसके अंदर आप कितना लोन ले सकते हो?
इस पे यकीन मानो 3 साल लगातार एक एक सवाल पूछा गया है बैंकिंग एग्जाम्स में, उसके अलावा एक बारी यूपीएससी में, उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में। तो देखें वो क्या है। इसमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं शिशु। शिशु का मीनिंग क्या हो गया, जब छोटा बच्चा होता है ना। तो मींस कि आपका अगर बहुत ही छोटा बिजनेस है, ये कवरिंग करता है लोन्स अप टू ₹50,000। इसमें आप लगभग 50,000 के करीब लोन जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट इज किशोर। अब जब वो छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना इसकी किशोरावस्था आ चुकी है बोलते हैं। तो उसमें क्या हो गया, मतलब आपका बिजनेस बहुत ही छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो कवरिंग लोन्स अबव ₹50,000 एंड अप टू ₹5,00,000, मतलब ₹50,000 से लेके ₹5,00,000 तक आप इसमें लोन अमाउंट जो है वो ले सकते हो अंडर मुद्रा स्कीम। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट इज तरुण। अब तरुण क्या होता है, हमारी जब हम बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं तो आपका बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, मैच्योरिटी लेवल पे है, ये कवर करता है लोन्स अबव ₹5,00,000, 5,00,000 से ऊपर एंड अप टू ₹10,00,000 और ₹10,00,000 तक। मीन्स इसके बीच में आप 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000, 8,00,000, 9,00,000 कितना भी लोन अमाउंट जो है वो ले सकते हो। डिपेंड करता है आपका बिजनेस की टाइप क्या है, बिजनेस के अंदर क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, इंस्पेक्शन होगी पहले, ऐसा तो लोन नहीं मिलेगा ना, उनके ऑफिसर्स आएंगे, वो देखेंगे किस टाइप का बिजनेस है और फिर वो लोन देंगे आपको। तो ये 4 टॉपिक्स लिए मैंने आज, मॉरेटोरियम पीरियड, अमोर्टाइजेशन, एवरेज यील्ड, मुद्रा स्कीम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया मॉरेटोरियम पीरियड, बिकॉज वो भी चल रहा है, देन मुद्रा स्कीम, बिकॉज ये हर साल मेरी नज़र में तो पूछा ही है। तो ये थे आज के टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप उस पर स्टिक करिए, कि एक चैनल कोई अच्छा सा ढूंढे जो आपको लगता है हमारा लगता है, तो फिर स्टिक टू अवर चैनल ओनली। बेस्ट अगर आप कोशिश करो, आगे पीछे देखो, बट टाइम वेस्ट नहीं करो। मैं देखता रहता हूँ यार फेसबुक में, उसके अलावा इंस्टा, देन व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊँ, बोला जाता है बताओ इसका आंसर क्या है, जैसे कुछ बॉक्सेस बना दिए जाते हैं। एक मैंने देखा कैप वाला था, शू वाला था, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और भाई ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर चलो ठीक है, अगर आपके पास फ्री टाइम है करो, टाइम वेस्ट मत करो। वो स्टूडेंट्स जो खुद तो पढ़ लेते हैं बाद में ऐसे क्वेश्चंस वायरल करते हैं सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए, आप अपना टाइम वेस्ट करो ऐसे क्वेश्चंस पे। ये चीज़ें कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये चीज़ समझ रहे हो, कभी एग्जाम में नहीं पूछी, कैप्स के ऊपर कभी क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आता ये जो आप बना रहे हो। तो टाइम मत वेस्ट करो अपना, बहुत कीमती वक्त है आपका भी हमारा भी, और अगर हमने आपके ऊपर ये चीज़ यूटिलाइज़ की है तो एटलीस्ट देखो, समझो, कुछ चाहते हो तो कुछ पूछिए। और मैं लास्ट टाइम ये चीज़ दोबारा बोलूँगा, क्या चीज़, ये हमारे विंग्स के चैनल का एक लोगो है, इसको क्लिक करो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, खाली देखना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है, उसमें आपके पैसे नहीं लगते, ठीक, और ना ही हमें कोई पैसा मिलता है, बट हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज़ होके, और सो दैट आई कैन रीच टू द मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे नीव चैनल का एक लोगो है, इसे सब्सक्राइब करो। अगर आप एकेडमिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये 2 मैंने प्लेलिस्ट और कुछ वीडियोस पीछे वाली डाली है बैंकिंग की और प्लेलिस्ट, ताकि आप पीछे वाली चीज़ें भी पढ़ सको। आई होप ये सही होगा आपके लिए। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।